अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में अगले कुछ महीनों में दिमाग के कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन गामा नाइफ की मदद से किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स में गामा नाइफ के लिए स्वीकृति दे दी है और इस सुविधा के शुरू हो जाने से अब ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को हर महीने दर्द नहीं सहन करना पड़ेगा। इस एडवांस तकनीक के होने से सर्जरी में मरीजों को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी। एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में पहला और देश का छठवां ऐसा सरकारी चिकित्सा संस्थान होगा जहां इस अत्याधुनिक गामा नाइफ का उपयोग किया जाएगा। मामले में एम्स प्रबंधन की माने तो करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से गामा नाइफ मशीन खरीद दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय सहमति भी मिल चुकी है और इस मशीन के इस्तेमाल से ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन रेडियस 0.01% ही रह जाता है। इसमें ब्रेन की ट्रेंडिंग वेन यानी खून ले जाने वाले शिरा को छेड़े बिना ही सीधे ट्यूमर डीएनए को नष्ट किया जा सकेगा। इसे ब्रेन में ना तो सूजन आएगी और ना ही नाइफ से होने वाली सर्जरी में कोई घाव होगा, ना ही मरीज को ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होगा। मरीज को मामले में अस्पताल से जल्दी छुट्टी भी मिल जाएगी। एम्स की तरफ से केंद्र सरकार को गामा नाइफ का प्रस्ताव 2019 में भेजा गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण मामला अटक गया था। अब इस मामले में इसे मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली एम्स, सफदरगंज अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़ सहित अन्य अस्पतालों में गामा नाइफ की सुविधा है। अब इस मशीन के जरिए दिमाग के अंदरूनी हिस्से में भी छुपे कैंसर कारक ट्यूमर को खोजकर खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गामा नाइफ की संबंध में कुछ प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, जहां औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मशीन एम्स में लाई जाएगी। इसका फायदा मध्य भारत के मरीजों को मिल सकेगा।